नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बीते दिनों पहले ब्राह्मण समाज को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। ऐसे में आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने अपने आवास पर दलित ब्राह्मणों का एक महाभोज का आयोजन किया है और आपको हम सीधे तस्वीर जो है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास के अंदर की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो दलित समाज के लोग हैं और साथ ही साथ ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं उन्हें खुद जीतन राम मांझी अपने हाथों से जो भोजन है वो परोस रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो ब्राह्मण हैं वो यहाँ पर एकजुट हुए हैं और खुद जीतन राम मांझी सबको हाथों से जो भोजन है वो परोस रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जो भी ब्राह्मण हैं उनके पत्तल में यहाँ पर दही चूड़ा के साथ साथ गुड़ और जो तिलकुट है वो परोसा गया है और जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं उन्हें खुद जीतन राम मांझी अपने हाथों से जो भोजन है वो परोस रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों पहले जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ब्राह्मण समाज को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, साथ ही साथ भगवान सत्यनारायण को लेकर भी उन्होंने कई सवाल खड़ा किए थे, जिसके बाद जो बिहार की सियासत थी वो तेज हो गई थी। लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था वो जारी था, विपक्ष के नेता हों या सत्ता पक्ष के। तो जीतन राम मांझी के बयान के बाद जो बिहार की सियासत थी वो तेज हो गई थी। लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था जारी था, सत्ता पक्ष के नेता हों या विपक्ष लगातार जीतन राम मांझी पर कटाक्ष कर रहे थे। ऐसे में आपको सीधे तस्वीर जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास के अंदर के दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो यहाँ पे ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। कुछ ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ बाबा? मेरा नाम हुआ राम प्रसाद गोस्वामी। कहाँ से आए हैं? मैनपुरा, एल सिटी घाट से। क्या लगता है कि जीतन राम मांझी ने जिस तरह से बीते दिनों पहले ब्राह्मण समाज को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था उसके बावजूद भी आप लोग आज खाना खाने आए हैं? वो ऐसा है कि जो भी किए हैं वो सब अपने लिए किए हैं, हम लोग के लिए नहीं किए हैं। क्योंकि सत्यनारायण अगर मान गए कि हमको सुनने में आया कि भगवान को गाली दिए, तो वो भी तो हिंदू हैं। अगर भगवान को गाली अगर देते हैं तो यानी वो भी भगवान को दिए गाली, वो भी हिंदू हैं, उनको भी गाली ये पड़ा ना। तो इसलिए ये सब जो है से अपना ये सब अपना ही लोग का मन का जो भी भावना हो बात अलग की है, लेकिन हम लोग को सब भावना नहीं है कि कौन छोटा कौन बड़ा कौन क्या, हम लोग के लिए सब एक समान है। क्या लगता है बाबा, बहुत सारे ब्राह्मण समाज के लोगों ने आज के भोज का बहिष्कार किया है? उनको कुछ शंका मन में हुआ है, पंडित जी के कुछ बोले हैं, इसके माफी के तहत बड़ी भोजन करा रहे हैं। कुछ दिन पहले कुछ बात कोई ब्राह्मण को कुछ बोले, भोजन उजन करा क्या वहाँ ऐखे भी हम लोग को निमंत्रण दे करके ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं जो हमको कैसू क्षमा हो जाए। क्या नाम हुआ? लाल बाबा नाम है। कहाँ से आए हैं? राजापुर पटना से। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनका कहना है कि जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया था वो उन्होंने अपने लिए दिया था। ऐसे में वो आज पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर पहुंचे हैं और जीतन राम मांझी के द्वारा जो भोज का आयोजन किया जा रहा है उसको करवा रहे हैं। तो सीधे तस्वीर जो है आपको हम पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास की दिखा रहे हैं। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।